रिफत इफ्तारी लाने गई, इतना लेट गई कि सब कुछ भी नहीं मिला, बस यही लेकर आ रही है। ये कुछ बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहते हो फराज? पुष्पा का डायलॉग बोलना चाहते हो? हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखि ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है और आज मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था, हाँ, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कल मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आया था, 11 बजे आया था, क्योंकि रात में यहाँ मेरा वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों यहाँ पे जियो बहुत मेरे घर पे स्लो चल रहा है, और रात में सब दरवाज़ा वगैरह सब बंद हो जाते तो और भी ज़्यादा स्लो चलने लगता है। तो इसलिए कल मेरा व्लॉग बहुत लेट आया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, और मुझे फिर से अपना इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे सारे ड्राफ्ट वापस से पूरे डिलीट हो गए। ये मुझे बार बार करना पड़ रहा है, सब कुछ डिलीट होता जा रहा है मेरे मोबाइल से। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि व्लॉगिंग के लिए आईफोन 11 बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी सारी जो पिछली मेमोरीज रहेगी सारी डिलीट होती जाएगी। और आप लोग बोलते हो कि थोड़ा व्लॉग बड़ा बनाओ, तो बस यही रीज़न है कि मैं अपने व्लॉग बड़े इसीलिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जहाँ 10 से 12 मिनट का हुआ मेरे मोबाइल में इतना स्टोरेज रहता ही नहीं, सीधा यही दिखाने लगता कि आपके मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, डिलीट करिए। तो मैं क्या क्या डिलीट करूँ, बहुत सारा, वैसे भी मैंने पिछला सब कुछ डिलीट कर चुकी हूँ मैं, फिर भी क्या बोलते हैं ऐसे ही दिखाता रहता है कि स्टोरेज नहीं है। तो कल मुझे इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा और उसकी वजह से मेरे सारे ड्राफ्ट वापस से डिलीट हो गए, जो कि बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज थी अभी थोड़े दिन पहले की। सो क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और अभी मैं और असद थोड़ा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि शाम में इफ्तारी के लिए कुछ लाना है, तो इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। चला सर, हाँ सब लेकर आओ, ठीक है। मार्केट तो आ गए हम लोग, लेकिन बहुत कड़क वाली धूप है ना असद? हाँ, बहुत ज्यादा तेज धूप है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो सूरज, बस आ रही है। हाँ, हम लोगों को जो लेना था ले लिया है, और हम लोग को थोड़ा चिकन लेना था शाम के खाने के लिए, तो असद चिकन लेके जा रहा है। फिलहाल अभी कुछ फ्रूट देखते हैं। और यहाँ पे असद और मैं फिर से रिटर्न घर पे जा रहे हैं, यहाँ का फ्रूट्स लगे हुए, अभी यहीं पे देखते हैं क्या लेना, पूछते हुए चलते हैं। हम लोग ने इफ्तारी के लिए वाटर मेलन लिया है, अब इसको मतलब चेक करें कि अंदर कैसा है कैसा नहीं। सही, ये दे दो। और ये हम लोग फिर से अपनी बिल्डिंग में आ गए हैं, वाटर मेलन भी हम लोग ने ले लिए। एक फायदा रहता है असद को ले जाने का, क्या असद सामान पकड़ता है। चलो जल्दी जल्दी। A few moments later. So, शाम हो गई है और मैं थोड़ा सो गई थी दोपहर में, और अभी 1 से 1.5 घंटे में इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। सो इफ्तारी में मेरे घर पे सबसे स्पेशल चना होता है, जो चना बनाया जाएगा, अभी तक रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। चना बनाएंगे और फिर जो भी सामान रहेगा वो सब बाहर से भी लेकर आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हम लोग घर में, ज़्यादातर बाहर से ही मेरे घर में सामान आता है। जो चना स्पेशल होता है वो घर में ही बनेगा, सो फटाफट चना बना लेते हैं। ये रहा चना, चने को हम लोग ने काफ़ी 2 या 3 घंटे से पानी में सोख करके रखा हुआ है, और अभी इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे अनियन लेना होगा, उसको अनियन और ग्रीन चिली। सो इधर पे मैंने कांदा और मिर्ची काट लिया, और यहाँ पे चने को मैंने दूसरे पानी में वॉश कर लिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना, जिसमें हम लोग का कांदा सिर्फ ब्राउन हो जाए। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया, मेरा कांदा यहाँ पे अच्छे से रेड हो गया है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा ही करना है, नहीं तो जल जाएगा क्योंकि तेल कम है। और चना डाल देते हैं, और यहाँ पे चने को थोड़ा टाइम भूनना है, जो चने में से पानी निकलेगा उसको थोड़ा सुखाना है, फिर एक टमाटर डाल के भूनना है, उसको नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना होगा आपको। अभी टमाटर भी मैंने डाल दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही टमाटर लेना है, तो इसको भी भून लेते हैं अभी। और चना बनाते बनाते मैं आप लोग को अपने घर के सामने का नज़ारा दिखा दूँ, ये देखो सारी मार्केट इधर ही लगती है, सब कुछ इधर ही दिखता है लाइन से।
कहीं जाना नहीं पड़ता हम लोग को ज़्यादा दूर। सामने मस्जिद भी है सब। यहाँ टमाटर भी अच्छे से गल गया है तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, थोड़ा ज़्यादा है ताकि जब हम लोग सीटी ले तो 4-5 सीटी आ जाए तब बंद कर देंगे। 4-5 सीटी आने के बाद जो इसके अंदर जो पानी बचेगा उसको भी हम लोगों को अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर इसके अंदर अच्छे से अनियन चॉप करके, टमाटर चॉप करके और ग्रीन चिली चॉप करके और हरा धनिया डाल के एकदम अच्छे से मिक्स करके फिर इसको खाना है। बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी ट्राई करिए। और यहाँ अजान हो गई और इफ्तारी भी मतलब स्टार्ट हो गई है। मैंने थोड़ा लेट दिखाया और इफ़त इफ्तारी लाने गई, इतना लेट गई कि उसको कुछ भी नहीं मिला, बस यही लेकर आ रही है ये। कोई नहीं, कल मंगा लेंगे, अभी खा लेते फिलहाल ये। A few moments later. Guys, ये देखो मेरे घर पे एक और बच्चा आया, ये भी मेरी सिस्टर का बेटा है। ये कुछ बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहते हो फराज? पुष्पा का डायलॉग बोलना चाहते हो? बोलो तो, बोलो बोलो, स्टार्ट करो। 1, 2, 3 स्टार्ट। थूकेगा नहीं ये नया डायलॉग निकाला, थूकेगा नहीं कि झूकेगा नहीं साला। फिर से बोल दे एक बार, फिर से। थूकेगा नहीं ये, थूकेगा नहीं। सो हम लोगों ने अभी खाना वगैरह सब खा लिया और अभी हम लोग बिस्तर लगा दिए थे। अभी बजने वाले हैं 11 और व्लॉग एंड करने से पहले हम लोग कुछ एक नाच शरीफ पढ़ने वाले हैं, इफ़त और मैं। सो इफ़त रेडी है तो थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाती हूँ तो फिर स्टार्ट करते। सो हम दोनों फुली रेडी है नात पढ़ने के लिए। यस, जो एक नात है जो हम लोग छोटे थे बहुत पहले हम लोगों ने सुनी थी, मुझे अच्छी लगती है तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। हम मदीने में तनखा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। बस तो इतनी छोटी सी थी, 2 ही सेंटेंस 4 सेंटेंस थे। हम लोगों को ऐसा लगा कि लास्ट में बोलना चाहिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, बाय। बोलो फराज। पुष्पा, पुष्पा राज। मैं झुकेगा नहीं साला ऐसा पूरा बोलो। बोलो बोलो।